बुलंदशहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां से मिशन 2024 के लिए चुनावी रैलियों का बिगुल भी फूंका। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए क्षेत्र की महिला और युवाओं में भारी उत्साह दिखा। साथ ही सियाना के साथ साथ थलई नायतपुर, नया बास, नया गांव, बरौली, वासुदेवपुर के साथ कई गांव से महिला और युवा इकट्ठा होकर कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही पीएम मोदी ने वहां जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सके, इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। साथियों, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला है। करोड़ों पक्के घर बने हैं, तो इनके बहुत बड़े लाभार्थी छोटे किसान और खेत मजदूर है। गांवों के करोड़ों घरों में पहली बार टॉयलेट बने हैं, पहली बार गांव के करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है। इसका लाभ सबसे अधिक किसान परिवारों की मेरी माताओं बहनों को ही तो मिला है। पहली बार किसानों और खेत मजदूरों को भी पेंशन की सुविधा मिली है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को मुश्किल समय में मदद मिली है। फसल खराब होने पर
किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके ज्यादातर लाभार्थी गांव के मेरे किसान परिवार और खेत मजदूर ही है। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने 21,000 करोड़ की दी सौगात। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। उन्होंने मथुरा और पलवल के बीच चौथे रेलवे सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।